हो सकता है कि जो है स्वर्ग में ही जाइए, तो अब लोगों को पता होगा ना ज्यादा डिटेल। वालेकुम और क्या हाल आप लोग के, मुझे सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। तो आज बात सुनने एक्शन में आप सब लोगों को खुश आमदीद। मैं हूँ हाशिम, यह है कोमल और आज हम जिस वीडियो पर एक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों ने हमें सजेस्ट किया है। नीचे कमेंट्स पर कमेंट्स आ रहे थे और मैंने सर्च नहीं की वीडियो, मैंने लाइक नोटिस नहीं किया इतना। तो उसके बाद जब मैंने सर्च की तो मैंने कहा तो डिवाइन टेल्स की वीडियो है, स्वर्ग और नर्क कैसा होता है ये देख लेते हैं, हिंदू मैथोलॉजी में कैसा है ये सारा। हमारे तो इधर जन्नत और दोजख ये दो चीज़ें हैं, उधर स्वर्ग और नर्क है, देख लेते हैं क्या सीन है सारा कुछ। लेट्स स्टार्ट। दर्शकों, हर मनुष्य जीवन भर अपना कर्म करता रहता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा, और अंत समय आने पर यही सोचता रहता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों की वजह से स्वर्ग मिलेगा या नर्क। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने हिसाब से बुरे कर्मों की गिनती भी अच्छे कर्मों में करने लगता है और यह सोचकर प्रसन्न होता है कि मरने के बाद उसे अवश्य ही स्वर्ग मिलेगा, जबकि वो जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज करते हैं। और वही बताते हैं कि मनुष्य ने जो अपने जीवन काल में कर्म किया उसके वो कर्म पुण्य थे या पाप, और फिर उसी के अनुसार उसे स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि किसी मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो वह स्वर्ग लोक में कौन कौन सी सुविधाओं का भोग करता है, और यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो उसे कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी पद्म पुराण की एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन यमलोक से लौटी कुछ कन्याओं ने किया हुआ है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले यमलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त ने उनके एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, तुमने ये क्या किया, इन कन्याओं की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को पहले तो वापस मृत्यु लोक दे आओ। उधर जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से मेरे परिजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें ये यमलोक दिखाना और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी सभी हम धरती लोक जाएंगे, अन्यथा यही रहेंगे। कन्याओं की ये बातें सुनकर यमदूत घबरा गए और दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सब बात बताई। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपने भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को यमलोक के दर्शन कराने होंगे। यमराज की बातें सुनकर यमदूत तुरंत कन्याओं के पास वापस आए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया, फिर जाकर वे कन्याएं धरती लोक वापस आ गईं। धरती लोक वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और सभी ने उनसे यमलोक के बारे में पूछा, जिसका वर्णन कन्याओं ने इस प्रकार किया। कन्याओं ने कहा, यमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है, वहाँ हमेशा सभी जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा बूढ़े स्त्री पुरुष या नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। अच्छा। वहाँ चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक जाते हैं। नान प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं, वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी अगवानी करते हैं, फिर उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग को भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वो सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहीं जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाती हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है, उसका विस्तार चारों ओर 86,000 योजन में है।
पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है, तो कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनके किनारा छुरों के धार के समान तीखा होता है, कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा यह मार्ग कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वो मार्ग आच्छादित रहता है, कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है, कहीं गर्म जल और कहीं कंठों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव की आत्माएं यमलोक में जाती हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। यहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता, वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकार नहीं मिला है, वो बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है, वो महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूल जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होते हैं, वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा शुधा की आग से जलते रहते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांधी जाती हैं और उनके हाथों में कीलें ठोंक दी जाती हैं, साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांध कर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांध कर उन्हें खींचा जाता है, किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है, किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाणों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। उन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता, वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। तब यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए फटकारते हुए कहते हैं कि ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप में घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। मनुष्य अपने आप में जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो। इतने में ही यमदूत कुछ राजाओं की आत्माओं को लेकर यमराज के पास पहुंचे। तब यमराज ने उन आत्माओं को देखते हुए कहा, देखो दुरात्माओं, ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। ये दुराचारी राजा हैं, अपनी प्रजा का सर्वनाश करने वाले हैं। ये थोड़े समय तक रहने वाले अपने राज्य के लिए घोर पाप किए हैं। इन सभी ने राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो प्रजाजनों को दंड दिया और इस समय उसी का फल भोगने यहाँ आए हैं। अब इन राजाओं से पूछो कि कहाँ है वो राज्य और कहाँ गई वो रानी जिनके लिए ये सब पाप इन्होंने किया। राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंक दिया। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटका। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो गया, रक्त के स्रोत बहने लगे। इसके बाद पापी की शुद्धि के लिए उसे नरक के समंदर में डाल दिया गया। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोठियां हैं। वे सातवें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटिका का नाम घोरा है और उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है।
तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और पांचवी कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, सातवीं का भयानका, आठवीं का कालरात्रि और नवीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे दसवीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। बारहवीं का नाम चंड कोलाहला है और उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा हैं। तीन अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। रौरव से लेकर अविचि तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये आत्माएं प्रायः शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं और तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूपी से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। इसके बाद कन्याओं ने कहा, माताओं, हम सभी धन्य हैं जो इस परम पवित्र भारतवर्ष में हमें जन्म मिला है। यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है, परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहीं पर परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारत वर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं ये योग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं। यहीं पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहाँ माघ स्नान करते हैं तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र देवता और मरुद्वानों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारत वर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म और स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी यही अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारत वर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गभूत भारत वर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। इसलिए दर्शकों, आप सभी भी पुण्य करें और पाप छोड़ दें। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। और यदि आप लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। इसलिए सदा ही विष्णु की आराधना करते रहो। और ये, ये थी यार वीडियो और नरक, बड़ी खतरनाक वीडियो थी। और इस पर मैंने नोटिस किया नरक की ज्यादा डिटेल्स बताई हुई थी। नरक की ज्यादा डिटेल्स बताई हुई थी ना, 140 कुल नरक है और वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे अपने जो है पापों के अनुसार। हर इंसान को अपनी सजा तो भुगतनी है यार। अगर इस दुनिया में नहीं मिलेगी तो उधर मिलेगी। कुछ लोगों को इस दुनिया में मिल जाती है, कुछ लोगों को वहाँ जाके मिलती है। लेकिन दुनिया में भी मिलती है और वहाँ जाके भी मिलती है। वहाँ जाके तो मिलनी ही मिलनी है, मिलनी है सजा। जो इसीलिए अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे तरीके से रहो, अच्छा जो है लोगों के साथ मैसेज पहुंचाओ, अच्छे काम करो ताकि आप लोग जाओ स्वर्ग में। स्वर्ग में ना, स्वर्ग है ना, स्वर्ग की यह डिटेल्स नहीं बताई हुई थी। स्वर्ग कैसा होता है उधर तो हर चीज होती है, मीन्स अवेलेबल हर चीज उधर, तो कोई प्रॉब्लम मतलब हो ही नहीं रह सकती इधर तो। यहाँ तक हमारे तो यहाँ तक लिखा है कि जो इंसान दोजक में जाता है वो अपनी सजा पूरी करके जाता जन्नत में ही है दोबारा। लेकिन उसकी एक निशानी होगी कि वो जब जन्नत में जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि अपनी सजा भुगत के आया जन्नत में। मुझे लगता है इसमें भी ऐसे ही होगा कि वो जब उन्होंने कहा है कि वो पापों से उसको जो है वो मुक्त कर देते हैं उसमें डाल के,
तो मेरे ख्याल से इसमें भी ऐसा होगा क्योंकि जो रिलीजन को फॉलो कर रहा है लेकिन गलत काम कर रहा है वो एंड पे हो सकता है कि जो है स्वर्ग में ही जाइए, तो अब लोगों को पता होगा ज़्यादा डिटेल्स जो है। बाकी अच्छे काम करो यार, अच्छी जो है मैसेज स्प्रेड करो पूरी दुनिया में, और देखो दुनिया में क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब कुछ यहीं पे रह जाना है, कुछ भी साथ ही लेके जाना। वो बादशाह है, उन पे बादशाह को ज़्यादा मुझे लगता है वो होती है क्योंकि उनके ऊपर पूरा उनको ज़्यादा जवाबदेह होना होता है क्योंकि वो पैसे में लालच की दौलत में आगे जो है लालच की दौलत क्या दौलत की लालच में आके सारा कुछ कर लेते हैं। बाकी अच्छे काम करो, हम भी अच्छे काम करेंगे, और देखते हैं फिर वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। 1 2 3 बाय।